जोहार नया सवेरा कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है जहां हम बात करते हैं झारखंड के उन सोलह जिलों की जहां पे विकास की गति थम सी गई है मुख्य धारा से भटके हुए लोगों की वजह से पर आज यहां की स्थिति बदल चुकी है केंद्र सरकार राज्य सरकार विभिन्न तरह की योजना चला रही है जिससे लोगों के मन में जो दहशत था जो डर था वो डर खत्म हो चुका है और वहाँ पर नया सवेरा का उदय हो चुका है दर्शकों आज के अंक में हम बात करेंगे मुद्रा लोन के बारे में मुद्रा लोन के तहत महिलाएँ जो है वहाँ से लोन ले रही है और कपड़े की दुकान को चलाकर अपनी स्थिति और अपनी तकदीर अपने हाथों ही बदल चुकी हैं आज हम लिए चल रहे हैं आपको धनबाद धनबाद में हम जाएंगे घर भर जगह पे जी हाँ आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं इस जगह का नाम है घर भड़ वहाँ पर हम जाके देखेंगे कि महिलाएं कैसे मुद्रा लोन का उपयोग कर रही हैं कैसे वो कपड़ों की दुकान चला रही हैं और कैसे अपने हाथों अपनी तकदीर और वहाँ की तस्वीर को बदल रही हैं तो चलिए हमारे साथ रुक कीजिए घर भर जिला धनबाद महिलाओं के उत्थान के लिए मुद्रा लोन से कपड़ा दुकान चलाकर उन्हें विकास से जोड़ा जा रहा है और यह विकास कार्य बड़ी तेजी के साथ धनबाद जिला के घरबर गांव में महिलाओं के बीच हो रहा है महिलाएं अब महिला स्वयं सहायता समूह के माध्यम से बैंक से ऋण ले रही हैं उन्हें यह लोन आसानी से इसलिए दिया जा रहा है कि वह अपने समूह में सिलाई मशीन के माध्यम से कपड़े की सिलाई कर रही जोहार नया सवेरा कार्यक्रम में आप सबों का स्वागत है आज हम धनबाद जिले के बलियापुर प्रखंड में उपस्थित हैं यहाँ एक गांव है गड़बड़ गांव। यहाँ जेएसएलपीएस के सहयोग से साथ ही मुद्रा लोन लेकर कृष्णा देवी कपड़ा का व्यवसाय कर रही हैं। आइए उनसे बातचीत करते हैं और साथ ही जानने का प्रयास करेंगे कि सरकार की कौन कौन सी योजनाएं पहुँच रही है और इनका कितना फायदा उठा रही है तो आइए मिलते हैं कृष्णा देवी जी से सबसे पहले तो आपका स्वागत है नमस्कार ये तो आप ये कपड़ा का व्यवसाय कर रही हैं कब से कर रही हैं मैं तीन साल पहले समूह से जुड़ा हुआ था एस में जुड़े पहले एस से जुड़ कर हम काम किए थे एक साल के बाद हमको थोड़ा लोन मिला है पच्चीस हज़ार का पच्चीस हजार लोन का मेरा पहले व्यवसाय जो था तब तो छोटा खाटा था तो मन में सोच रहे थे जब एस से जुड़ा हुए हैं आज जब एस से कोई लोन मिलता है तो अब दुकान के क्यों आगे नहीं बढ़ाएंगे आज जो डिमांड है वो डिमांड मेरा साथ पूरा करने का सामर्थ्य नहीं था इसीलिए मान लीजिए हम ग्राम संगठन से सी एल ए सी राशि एक लाख एक लाख बीस हज़ार लिए थे अभी वो लोग चुकता हो गया छः हज़ार बाकी है फिर ग्राम फिर और सीआई राशि मांगे थे फिर से लिए हैं और फिर बैंक के साथ मुलाकात हुआ जेसएल पी से सैर से सैर लोग से बात किए हैं तो हम लोग को पाँच लाख लोन दिए हैं तो पाँच लाख लोन देने के बाद क्या हुआ जो अभी जो गांव में शादी उदी चलता है किसी को एक एक सौ साड़ी मांग पचास का साड़ी मांग डेढ़ सौ का साड़ी मांग करता है तो अभी अभी वो पैसा लेके हमको बिजनेस के आगे बढ़ाए और सोच रहे थे कि थोड़ा जैसे एल पी एस सरकार हम लोग को थोड़ा मदद करेगा तो हम आगे बढ़ने का हमको बहुत इच्छा है सोचे है जै, जैसे मान लीजिए होलसेल में जैसे माल देते हैं हम ही सोच रहे थे गांव का लोग का ऐसे ही कम दाम में माल देंगे लेकिन उस उसके लिए मेरा को रुपया का ज़्यादा जरूरत है देखिए सोखी मंडल से पहले से हम दुकान किए थे लेकिन तब तो मेरा घर इतना बड़ा नहीं था तब तो मिट्टी का घर था टाली का था तब तो मान लीजिए हमको आई आर डी लोन मिला था तब तो मेरा परिवार इतना बड़ा हुआ नहीं था तब तो छोटा परिवार था जो मेरा हस्बैंड है उसका आय कम था लेकिन उतना आए हैं मेरा गो तीन गो लड़का था और मेरा सात गो, गो नौनद था उसके में सारा परिवार चलाना बहुत मुश्किल होता है जब मेरा शादी हुआ है तब तो सोचे है जे कितने कहाँ पर हम आए हैं और इतना कम पैसा में हम कैसे रहेंगे कैसे कमाएंगे तो इसी सोच कर हम मान लीजिए तब साक्षरता अभिजान में हम जुड़े थे तो साक्षरता अभिजान तो में जुड़े थे तो मुकुल सैब थे तो मान लीजिए हमको आठ हज़ार रुपया दस हज़ार आठ हज़ार रुपया आई लोन मिला था तो आठ हज़ार रुपया लोन मिला था तब तो हम सिलाई मशीन खरीदे सिलाई मशीन खरीदे और मान लीजिए जितना पैसा था उतना मां बा, बाप का घर गया उ, उधर से ब्लाउज व्लाउज उठा के लेके आए और गाँव का दीदी लोग को हम दूसरा दूसरा लोग को बोले तो तब तो मैंने इतना परिस्थिति था तो तब तो हम लोग को गाँव घर से निकल नहीं देते थे तो हम जबरदस्ती निकल गया जब हमको संसार को बचाना है बच्चा लोग को बड़ा किया है पापा का आय कम है इतना कम आय से हम कैसे संसार चलाएंगे तो मान लीजिए हम निकाल गया तो उ, उसी से मान करते करते आठ हजार दस हजार करते करते महाजन से भेंट हुआ था महाजन के पास थोड़ा बहुत माल लेके आते थे तभी तो ताली का घर एडब्रेस घर का था तब तो तीन साल के पहले जब दीदी लोग एस में आए थे तब एस आई में जुड़े थे तब तो तो मेरा छोटा पति क्या करते हैं पोती ठिकदार का काम करते अभी काम नहीं कर रहे हैं अभी चार साल पाँच साल बैठ गए उसका हार्ट का प्रॉब्लम है वह जो कपड़े की सिलाई करती हैं फिर उसे किसी बड़े दुकान में या बाजार में ले जाकर बेच दिया जाता है जब उनके द्वारा सिले गए उत्पाद बिक जाते हैं तो उसका पैसा भी उन महिलाओं को मिलता है धीरे धीरे लोन लेने वाली महिलाएं उसे चुकता कर देती हैं इससे हुए मुनाफे के पैसे से वह अपना और अपने परिवार का जीवन यापन पहले से भी बेहतर कर रही हैं जैसे मदद करता है जब मैंने मान लीजिए मेरा पास रुपया नहीं था अभी मान लीजिए अगले अगले साल अगले साल मेरा पास रुपया नहीं था जितना पैसा था ये तो गांव है तो गांव दुकान चलाने के लिए कुछ तो उधार देना पड़ेगा अभी जो उधर दे रहे हैं अभी तो नहीं मिलेगा अभी पूजा का टाइम आएगा तो माल माल लेते आएगा तब तो पैसा देगा तब तो माल उठाएंगे तो पैसा कहाँ मिलेगा पैसा कहाँ मिलेगा इसे सीसी भाई से बात किए तो भाई हमको थोड़ा पैसा का जरूरत है कुछ उपाय हो तो बता दीजिए तो सी भाई मैनेजर साहब से बात किए तो मैनेजर साहब मेरे पास आए थे दुकान देखने के लिए दुकान देखे शायद बोला है लो लोन देंगे आगे बढ़ने के लिए आपको कितना लोन चाहिए बोला आप आप जितना देंगे ना इतना लेंगे ना मैं उतना आप नहीं, नहीं लोक तो, आपको जित ज़्यादा जिसका जरूरत है उसी ही दे देंगे तो पाँच लाख हमको लोन दिए थे तो पाँच लाख लोन दिए थे तब तो दुकान छोटा बड़ा था आज छोटा था तो जो मान पूजा का टाइम तो गाँव तो है ना एक एक आदमी लेते हैं उसके साथ चार पांच गो दीदी आते हैं तो मान लीजिए छोटा दुकान है बैठने का जगह नहीं है और मान ली मिट्टी का घर है तो पानी जब आता है तो बीस जाता है तभी तो लड़का लोग बोले माँ लोन मिला है तो तो इसी पैसा से दुकान के सरा अच्छा से बना लीजिए दुकान अच्छा से बनाएंगे तो खुद लाख का पाँच लाख का मिला है ए टू जेड रखते है मान लीजिए साड़ी जो सूती कपड़ा रखते है सूती कपड़ा अभी मान लीजिए मेरा पास दो सौ से दो हजार तक आपको मिलेगा और साड़ी साया ब्लाउज रेडीमेड का ए टू जेड लेडीज का जेंट्स का सब का मिलेगा अंडरवेयर टी शर्ट सब कुछ मिलेगा महिलाएं अब यह जान चुकी हैं कि किसी एक काम से घर परिवार चलाना और बच्चों की बेहतर परवरिश कर पाना संभव नहीं है इसलिए वे खेती बाड़ी के साथ साथ सिलाई का भी प्रशिक्षण प्राप्त करती हैं और कपड़े लेकर सिलाई वगैरह करती हैं खाली समय में महिलाएं कपड़ा सिलाई कर अच्छा खासा आमदनी भी कमा लेती हैं इसके अलावा पर्व त्योहार के मौसम में इन्हें और भी अधिक कपड़े सिलाई के लिए मिल जाते हैं तो इनका मुनाफा भी और बढ़ जाता है अरे मेरा यहाँ पर पाँच गाँव आते हैं मान लीजिए पूजा का टाइम आप पूजा का टाइम को भी आइएगा तो देखिएगा जो मेरा दुकान में इतना भीड़ लगा रहेगा तो आप बाहर में है तो आपको हम देख नहीं पाएंगे इसीलिए लड़का को भी जुड़ा है आज जो पूजा का समय आते हैं पूरा परिवार हम लोग एक साथ में दुकान में काम करते हैं कहीं पूरा परिवार नहीं करेंगे तो तो, तो संभाल नहीं पाएंगे और मान लीजिए दुकान जो आप उधार का बात बोल रहे हैं देखिए गांव है उधर नहीं देने देने से नहीं दुकान चलेगा तो उधर देते हैं वो लेते हैं देते हैं तो इसी इसी तरफ चल रहे है। लेकिन वो लोग सोचते हैं कि जो चलो अच्छा बढ़िया माल मिलता है अच्छा क्वालिटी का मिलता है तो बिलियापुर क्यों जाएंगे मान लीजिए जब शादी का मौसम आता है तब तो मान लीजिए मंथली पंद्रह हजार हो जाएगा पंद्रह हजार पहले इसमें तो अंतर होगा क्या पहले तो पूंजी नहीं था नहीं। पहले तो मान लीजिए आप मांगे आप मांग रहे है दो गो अंडर आपको हम दे रहे हैं एक तो एक तो नहीं दे पाए ना आप मांग रहे हैं दस गो साड़ी आपको नहीं दे पाए कभी कोई किसी को आता है बोलते शादी का मौसम में बोलते हैं दीदी हमको एक सौ पीस साड़ी चाहिए तो अब उसको हम बोलना बोलना होगा तो साड़ी शादी लेना है तो पहले हमको एडवांस करो हाँ पहले से अच्छा पहले, तो है पहले सा, पहले पहले से अच्छा है पहले तो बहुत अच्छा है ऐसे मान लीजिए एस से जुड़े हैं ग्राम संगठन से जुड़े हैं फिर सी से जुड़े हैं फ़ायदा तो है आगे क्या करना चाह आगे तो अब तो हम बोल रहे हैं जो आगे क्या करना चाहते आगे चाहते हैं तो दुकान का हम और आगे बढ़ाएंगे कहे कि देखिए वो जो सामने वाला गेट हो रहा है ना हम उसी पैसा से हम बना रहे कहे कि मेरा सोच अलग है मैं सोचें रोज समझ रहा है कि इसको हम होलसेलर सेलर रूम में लेंगे जब भी अभी दीदी लोग अब मेरा साथ एक ब्लाउज पचास रुपया में खरीदता है उसको हम पैंतालीस में दे देंगे कहे कि हम होलसेलर में माल उठाएंगे मान लीजिए ज़्यादा बेचेंगे लाभ कम कमाएंगे सरकार की योजना पहुंचा है देखिए इधर में दीदी लोग तो कुछ काम नहीं करते थे अभी मेरा को देख के तो ये, ये मेरा पास एक दीदी थे तो उसका पोती भी बेकार था बेटा भी बेकार था होटल में काम करता था उसको हम बोले हैं देखो तुम बेकार बैठे हुए हैं होटल में कभी काम कर होता है कभी नहीं होता है तो घर में बैठे बैठे क्या करोगे फिर गप सप करोगे तौर तो, तो कुछ नहीं है तो थोड़ा बहुत लोन ले लो और मानो सी ए सी आई बैंक से लोन मिला है पहले आप एक लाख एक लाख रुपया हम लोग को मिला है उसी से उसको पचास हजार दे दिया बोले पहले एक तो छोटो खाटो घर बना उसमें से खाना उना बाका अभी वो रोज महीना प्रतिदिन हर प्रतिदिन पाँच सौ छः सौ रुपया कमाता है हाँ सब घर में शौचालय है हाँ सब घर में शौचालय है पानी की स्थिति पहले नहीं था अभी एक साल पानी का हम लोग का कुछ दिक्कत नहीं है लेकिन अभी अभी जो पानी आ रहा है अभी तो तो अभी उतना साफ पानी नहीं है लेकिन पानी मिलता है बच्चों की शिक्षा तो थी, ठीक ही है अभी देखिए बच्चा तो स्कूल में पढ़ पढ़ रहा है अभी उसमें तो गार्जियन क्या कर रहा है उसको तो गार्जियन का तकलीफ है लेकिन तो स्कूल तो नियमित चल रहा है इस तरह से गांव की कई महिलाएं हैं जो कपड़े की सिलाई कर रही हैं डिजाइनदार सिलाई करने के बाद अब गांव घर में भी ये प्रसिद्धि हासिल कर रही हैं अब दूर दराज से भी ग्रामीण उन महिलाओं के पास कपड़े सिलाने आते हैं और ये महिलाएं न सिर्फ महिलाओं के कपड़े सिलाई करती हैं बल्कि इन्हें अब पुरुषों के कपड़े भी सिलने को मिल रहे हैं इससे उनकी आमदनी तेजी से बढ़ रही है अब मेरे साथ डी पी एम जी जे एस धनबाद उपस्थित हैं आइए उनसे बातचीत करते हैं जैसे कृष्णा देवी जी कपड़ा का व्यवसाय कर रही है आप जे एस एल पी एस डी पी एम के पद पर हैं तो आप किस तरह से सहयोग देते हैं उसके बारे में थोड़ा बताएं देखिए जे एस एल पी एस जो है ये ग्रामीण महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए उनके उत्थान के लिए काम कर रही है हमारा काम करने का तरीका है कि हम पहले जो है लोगों को समूह में जोड़ते हैं उसके बाद उनको प्रशिक्षण देते हैं और गतिविधि आइडेंटिफाइड करते हैं कि कौन सी दीदी जो है वो फार्म के में काम करेगी कौन सी दीदी जो है वो नॉन फार्म में काम करेगी तो इस तरीके से हम लोग जो है उनको आ, फार्म में भी सपोर्ट करते हैं नॉन फार्म एक्टिविटीज़ में भी सपोर्ट करते हैं तो अभी अगर हम धनबाद पूरे ज़िले की बात करें तो हमारे पास करीब छः ऐसी दीदियाँ हैं जो नॉन फार्म इंटरप्राइज को आगे बढ़ा रही हैं उसमें काम कर रही हैं उनके लिए हम लोग उनका ट्रेनिंग आर वग़ैरह में भी करवाते हैं और ट्रेनिंग भी हम उनको देते हैं कृष्णा देवी जी की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये समूह में जुड़ने के पहले एक जो ग्रामीण महिलाएं होती हैं उसी तरह से ये घर में अपना ग्रामीण जो खेती बारी और भी कुछ रिलेटेड काम था वो करती थी घर के कामों में अपना व्यस्त रहती थी समूह में जुड़ने के बाद इन्होंने समूह के बैठक में जाना शुरू किया ग्राम संगठन के बैठक में जाना शुरू किया सी के बैठक में जाना शुरू किया बैंक्स में जाना शुरू किया तो इनका एक जो है वो परिवर्तन ये आया कि जो पहले इनको संकोच था वो संकोच सारा दूर हो गया इस तरह ये जो है बैंक में भी अपने लिए बात करने लगी तो ये एक परिवर्तन आया है समूह में जुड़ने के बाद महिलाओं में कि वो अब पहले वोकल बहुत ज़्यादा नहीं थी अब काफ़ी वोकल हो गई हैं अपनी बातों को रख रही हैं अपने अधिकार के प्रति जागरूक हुई हैं और अपने अधिकारों को ले रही है आ, हमारे जो हमारे जो दीदी है किश्नर दीदी जो घर भर गाँव की है ये दीदी काफ़ी मेहनती है और इनके रुचि को देखते हुए हमने इनका साथ दिया और सबसे पहले तो इनको समूह में जुड़वाए और समूह में जुड़ने के बाद ये काफ़ी जागरूक हुई और इनके जीव इनको जीवन में आगे बढ़ने का एक लालसा था जिसमें ये चाहती थी कि हम अपने जीवन में कुछ करें परिवार काफ़ी आर्थिक स्थिति गड़बड़ थी परिवार में सदस्य ज़्यादा थे और गरीबी बाहें फैलाए उनको परेशान कर रही थी और काफ़ी साहसी महिला है जो एक व्यवसाय करने के लिए उपयुक्त गुण रखता है किसी भी व्यवसायी को साहस तो इनका साहस को देखते हुए हमने इनका साथ दिया जेसएल ने इनका साथ दिया हमारी पूरी टीम ने इनका साथ दिया और इनको जो इनकी रुचि के अनुसार व्यवसाय इन्हें चुना इसने कपड़ा व्यवसाय को चुना और इनके लिए आवश्यक जो भी ट्रेनिंग और पूंजी की व्यवस्था करना था उसके लिए हम लोगों ने पहले तो इनको सीआईएफ राशि जो है वो एस एस जी में दिलवाया एस एस जी को भी लोन करवाया फिर सी एल एफ़ से भी इनको ऋण दिया फिर वो पूंजी भी थोड़ा कम पड़ने लगा तब फिर हमने बोला कि आप दीदी मुद्रा लोन ले लीजिए तो फिर बैंक मैनेजर से हमने बात किया उनको समझाया उनको कन्विंस किया उनको विजिट करवाया वो सहमत हुए और उनके सहमति से बहुत जल्द उनको पाँच लाख का मुद्रा लोन मिला तो दर्शकों हमने देखा घर भर जो बलियापुर प्रखंड का हिस्सा है कैसे वहाँ पर महिलाएं मुद्रा लोन ले रही हैं कपड़ों की व्यवसाय से जुड़ी हैं आर्थिक रूप से मजबूत हो रही हैं और ये कहना गलत नहीं होगा कि वहाँ पर नया सवेरा का उदय हो चुका है अब हम बात करेंगे आम बागवानी की आम बागवानी आम यानी कि फलों का राजा और जो इसकी खेती करेगा निश्चित रूप से ही राजा बनेगा आर्थिक रूप से मजबूत होगा और ये आम बागवानी हो रहा है सलपत्रा जो धनबाद ज़िले का हिस्सा है वहाँ पर हम चल के देखेंगे कि लोग कैसे आम बागवानी से जुड़े हैं उनको कैसे लाभ मिल रहा है सरकार उन्हें किस तरह से मदद कर रही है तो चलिए हमारे साथ रुक कीजिए सलपत्रा धनबाद जोहार दर्शकों कार्यक्रम नया सवेरा के इस स्ने अंक में मैं सागर आप सबका स्वागत करता हूँ दर्शकों आज हम आप पहुँचे हैं सलपत्रा धनबाद सलपत्रा पहले एक नक्सली प्रभावित क्षेत्र हुआ करता था पर आज सरकार और प्रशासन की मदद से यहाँ पे विकास हो पा रहा है सरकार की योजनाओं के अंतर्गत आम बागवानी से यहाँ के ग्रामीण कैसे आय से जुड़ रहे हैं आइए हम देखते हैं ये यो आम बागवानी योजना है पहले हम लोग पंचायत में गए वहाँ पर कैंप लगा हुआ था जानकारी देने के लिए लाभुक को तो वहाँ से जानकारी मिला कि ऐसा ऐसा योजना है उसमें एक एकड़ में एक सौ बारह पेड़ मिलेगा और उस, उसके बाद वहाँ नाम चढ़ाए ग्राम सभा में भी पारित हुआ वहाँ मुखिया जी वो लोग सब कोई था पदाधिकारीगण फिर वहाँ से प्रखंड के पदाधिकारी यहाँ आया जमीन को देखने के लिए जमीन तो पहले पूरा जंगल में भरा हुआ था वो सब देख के तो वो लोग बोले कि यहाँ पर होगा ही नहीं फिर हम लोग बोले कि सर नहीं हम लोग ये सब साफ कराएंगे साफ़ कराएं उसके पंद्रह दिन बाद फिर पदाधिकारी आए थे बलियापुर से वो देखा फिर उधर पानी का व्यवस्था भी देखा तब बोला ठीक है तब तो उस योजना का सेंक्शन दिया तो फिर उसके बाद जो होता है पेड़ का गड्ढा किए फिर वो जो खाद ये सब आता है वो सब आया वो सब भर भराएँ उसके बाद पेड़ आया पेड़ लगाएं पेड़ तो लग गया उसके बाद जो मजदूर भी काम करता है इसमें हम लोग भी काम करते हैं गांव का ही मजदूर है उसके बाद इस्ट्रेन जो कट कटाया पूरा चारों साइड पेड़ का देख रेख भी किए हैं और दो साल से ये सब खेती भी कर रहे हैं हम लोग पैसा हमको एक रुपये नहीं लगा इसमें सब सरकार दिया जो लेबर बाहर का जो लेबर का काम किया उन उन लोगों को लो 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 अपने खत्म में गया हम जितना दिन यहाँ पर काम किए मेरा भी जब गढ़ है उसमें हमको मिला ये सब सर दो एकड़ है टोटल उधर एक एकड़ इधर एक एकड़ मतलब टोटल दो एकड़ इसमें दो था अभी कुछ मरा होगा तो कुछ कम होगा का तो दस सब चारों तरफ घिरान बना हुआ है और हम लोग तो यहाँ आते जाते रहते हैं हर दिन दिन में दो से तीन बार यहाँ आते हैं यहाँ काम भी करते हैं तो यहीं पर रहते हैं हम लोग ज़्यादा देर फल सार इस साल शुरू हुआ है तो इस तो पेड़ का ज़्यादा दिन नहीं हुआ तीन साल हुआ एक साल तो छोटा छोटा लगाए थे दो साल में इस साल आया था एक दो किलो करके फल आया था इंटरक्रपेंट भी तो क्या हुआ देख भी रहे हैं आप लोग इसमें बुरू सिंह लगा हुआ है उधर पुई साग लगा हुआ है उधर साइड में कद्दू सब लत्तेदार सब्ज़ी लत्तेदार सब्जी साइड में लगाए हैं अंदर में तो नहीं लगाना है और इधर जो जमीन पड़ा है इसमें टमाटर लगेगा सरकार की योजनाओं से आपको क्या लाभ मिल रहा है सरकार का योजना ये बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है और लाभों का भी बहुत सारा फायदा है इसमें जो पेड़ दिया है पेड़ का भी फायदा है और ये जो खेती कर रहे हैं उसमें भी अलग से फायदा है जीवन मेरा बदल गया है बहुत सर कुछ काम नहीं था अभी जो देखा जाए तो इस तरह से काम भी मिल रहा है और मेरा जमीन पर खेती भी हो रहा है सरकार से जो काम करते हैं उसका पैसा भी मिलता है और ये सब जो साइड से हो रहा है उसमें भी कुछ मिल जाता है आमदनी बढ़ा है आम से इस साल बीस रुपया हुआ है और ये सब जो खेती कर रहे हैं अभी तो फल नहीं आया आएगा तो कुछ होगा ही सिंचाई सर यहाँ पर है पत्थर खदन वहाँ पार्म से पानी लाते हैं सरकार सर क्या चाहते हैं सरकार तो दे ही रहा है दवा फवा सब कुछ उपलब्ध कराते हैं समय समय पर वो सब मारते हैं और सरकार से अगर कुछ ऐसा है मिलने वाला तो मिलेगा तो बढ़िया रहेगा योजना में देखिए सलपागढ़ सा, कृषि बहुल क्षेत्र है, है। यहाँ आपका मेन जो ये है वो कृषि से ही होता है यहाँ अधिकतर आपका गाँव का लोग सब कृषि से ही जुड़े हुए हैं तो कृषि का भी सरकार से मिलता है कुआँ वुआँ देता है बिजली है शिक्षा भी स्कूल तो है आम बागवानी से आपके जीवन में क्या बदलाव आ रहा है ये तो आम बागवानी की योजना है ये बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है और ये हमारे पंचायत में इसका काम चल रही है करीब करीब अभी पूरे पंचायत में तीस एकड़ से अधिक का योजनाएँ हमारा चल रहा है और सभी जगह जो पूर्व में आज तीन साल पूर्व में जो योजनाएं ली गई थी इससे हम देख रहे हैं कि किसानों को काफ़ी फायदा हुआ है आम की फसल हुई है इसमें उन्नत किस्म की आम की पौधा लगा हुआ है जैसे कि आपका आम्रपली जो एक पौधा है आम्रपली का आम है मैं उसके बाद नेंगड़ा का है और आपका बीच बीच में जो क्रॉप कटिंग का ये जो ये लोग खेती करता है जैसे आपके समझ है देखिए बीम का खेती हो रही है उधर कुछ पलक का खेती है सामने कोबी ओबी भी, भी, भी लोग लगाने का प्रयास करते हैं तो इस सबसे लोगों को अधिक आमदनी होती है और हमारे जो गांव है ये एग्रीकल्चर पर ही डिपेंड करता है धनबाद डिस्ट्रिक्ट में सेकंड मोस्ट पोजीशन रखती है एग्रीकल्चर में देखिए अभी वर्तमान में तो हमारे पंचायत में विभिन्न प्रकार की योजनाएं चल रही है जैसे कि मैं बता रहा हूं किसान के लिए किसान के लिए अभी हमारा बिरसा हरित कुप निर्माण का एक योजना आया है जो कि हम लोग इस पर काफ़ी प्रचार प्रसार कर रहे हैं और सभी जो लाभुक है मतलब जो कि किसान है जो कम से कम पचास ईस्वी से एक एकड़ में भी किसी खेती करता है उसको हम ये कूप देने का काम कर रहे हैं और बाकी हमारे यहाँ डी फंड से जो है कि तालाब का निर्माण अमृत सरोवर का निर्माण हुई है अमृत सरोवर में अभी हम लोग प्लांटेशन अमृत वाटिका का निर्माण किए हैं बाकी जो हमारे यहाँ खेती जो होती है वो समेकित खेती भी करने का प्रयास हम लोग कर रहे हैं वर्तमान में समेकित खेती थोड़ी थोड़ी होती है लेकिन हम लोग इसको आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं जैसे कि जिससे हमारे यहाँ का रोज़गार का स्थिति बेहतर हो और हमारा एग्रीकल्चर का जो ढंग है उसको हम लोग जैविक खेती पर निर्भर करने के लिए प्रयास कर रहे हैं कि जो आपका यूरिया होता है वो कम दें फसल जो है कि जैविक खेती पर हो और खाद गोबर अभी जो हम लोग आपका एच डी से जो पीएचडी से चल रही है एक योजनाएँ उस पर अभी हम लोग नोपेड बार्मिंग कंपोस्ट हार्वेस्टिंग टैंक शॉर्ट फिट इसका योजनाएँ चल रही है मेरा यहाँ फिफ्टीन फाइनेंस से विभिन्न तरह की योजनाएँ चल रही है बलियापुर पंचायत में जैसा कि अभी आप लोग देख रहे हैं हमारा बिरसा हृद ग्राम योजना के तहत हम लोग आए हुए आम बागवानी योजना में इस फील्ड में हम लोग लगभग तीन साल पहले आए थे ये बीस इक्कीस की योजना है तीन साल पहले यहाँ पर केवल झाड़ झंकाड़ था और पड़ती जमीन पड़ी हुई थी और इसका कोई भी उपयोग नहीं हो रहा था हम लोगों ने जब यहाँ विजिट किया आम बागवानी के स्थल के चयन के लिए तो इसे उपयुक्त नहीं पाया तो वो जो लाभुक हैं उनसे हम लोगों ने डिस्कस भी किया तो उन लोगों ने हमें विश्वास दिलवाया कि हम लोग यहाँ पर कर लेंगे हम लोगों ने उन पर विश्वास जताया उन्हें योजनाएं दी ग्राम सभा के माध्यम से ये योजनाएं ली गई बाकी फिर योजनाएं पा योजनाएँ स्वीकृत की गई और योजनाओं का जब कार्यान्वयन चालू हुआ यहाँ पर मैं लगातार हर महीने दो बार तीन बार अपनी टीम के साथ प्रखंड की टीम के साथ आता रहता था और जब मैंने यहाँ देखा कि इन लोगों ने काफ़ी अच्छा यहाँ पर योजना का कार्यान्वयन किया है मुझे भी बहुत ही खुशी हुई कि हम लोगों ने जो विश्वास लाभुक पर किया था उस पर वो खरे उतरे तो इस आम बागवानी से जब भी हम लोग बात करते हैं आम बागवानी योजनाओं के बारे में तो हम लाभुक से बार बार ये बतला रहे थे कि इन लोगों को कि तीन साल से पहले कोई फल नहीं लेना है अगर हमारा मंजर आ भी रहा है तो उसे तोड़ के फेंक देना है तो इन लोगों ने उस गाइडलाइन का भी पालन किया और अभी जो पिछला साल हमारा तीन साल से ऊपर हो रहा था तब इन लोगों ने आम का फसल लिया इसमें और लगभग पाँच से छः क्विंटल आम की आम का फसल इन्होंने लिया है और जिससे इनके जीविका उपार्जन में कुछ सुधार हुआ है आर्थिक स्थिति भी सुधार हुई है और हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर काफ़ी अच्छा से इन लोगों ने खेती भी की है सब्जी का उत्पादन भी किया है जिसके सहयोग से इन लोग अपनी आर्थिक स्थिति को सुधार रहे हैं इसके योजनाओं का चयन ग्राम सभा के माध्यम से मुख्यतः रूप से किया जाता है ग्राम सभा से योजनाएँ चयन होकर फिर कार्यकारिणी में पारित की जाती है उसके बाद योजनाओं को टी तकनीकी स्वीकृति और प्रशासनिक स्वीकृति देने के उपरांत योजनाओं का कार्यान्वयन आरंभ हो जाता है पारदर्शिता के लिए हम लोग पंचायतों में प्रत्येक गुरुवार को रोजगार दिवस का आयोजन किया जाता है और जिसका प्रचार प्रसार भी काफ़ी किया जाता है और उन रोजगार दिवस के समय आ, सभी प्रकार की योजनाओं की जानकारी वहां उपस्थित ग्रामीणों को शेयर की जाती है उसके माध्यम से योजनाओं का चयन भी किया जाता है पारदर्शिता के लिए फिर हम लोगों ने अपने प्रखंड स्तर से भी टीम का गठन किया हुआ है और बीच बीच में हम लोग अपने टीम के सहयोग से हम लोग योजनाओं का निरीक्षण करते रहते हैं दर्शकों आज के अंक में हमने देखा कि महिलाएं कैसे मुद्रा लोन ले कपड़े व्यवसाय से जुड़ के अपनी आर्थिक स्थिति को बदल चुकी हैं वहां पे नया सवेरा का उदय हो चुका है साथ ही साथ हमने देखा कि आम बागवानी करके सलपत्रा के लोग जो धनबाद जिले का हिस्सा है कैसे आर्थिक रूप से मजबूत हो रहे हैं और उनके मन में जो एक दहशत था मुख्य धारा से भटके हुए लोगों के द्वारा वो बिल्कुल खत्म हो चुका है और अभी हमारे कार्यक्रम का समय भी खत्म हो रहा है लेकिन चलते चलते आप सभी से गुजारिश है कभी भी आपको ऐसा शक हो कि आपके समक्ष खड़ा व्यक्ति मुख्य धारा से भटका हुआ है या उसकी मंशा है धारा से भटकने की तो हमारी और आपकी नैतिक जिम्मेवारी बनती है कि हम उसे समझाएं कि वो धारा से जुड़े रहें वो राह बिल्कुल ही गलत है अगले अंक में फिर होगी अपनी मुलाकात कार्यक्रम नया सवेरा के साथ तब तक के लिए हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत नमस्कार जोहार